नमस्कार, मैं हूं बलजीत सिंह और आप देख रहे हैं मिशन 24x7। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से और उसके बाद आपको दिखाएंगे दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव शाहजहांपुर पहुंचे, बरेली मोड़ मैदान में विशाल जनसभा को किया संबोधित, भाजपा पर बोला करारा हमला, कहा झूठ बोलते हैं भाजपा के नेता। अखिलेश यादव ने भाजपा पर बोला हमला, कहा पहले चरण में हुए मतदान के बाद भाजपा का मौसम हुआ खराब, 10 मार्च को हो जाएगी भाजपा की खाट खड़ी। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सुरेश कुमार खन्ना ने भी दिखाया दमखम, डोर टू डोर जाकर लोगों से मांगे वोट, कहा आपके वोट से 8 बार शाहजहांपुर की सेवा करने का मौका मिला, फिर से भाजपा को वोट करने की अपील। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी आज खुटार पहुंचे, विशाल जनसभा को किया संबोधित, कहा एक बार फिर से भाजपा को वोट कर चेतराम को बनाए पुआया का विधायक। और 14 फरवरी को होने वाले मतदान को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने तैयारियों को दिया अंतिम रूप, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों के साथ की खास बैठक, कहा ईमानदारी से ड्यूटी का करें निर्वाहन। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज शाहजहांपुर पहुंचे, यहां उन्होंने बरेली मोड़ पर एक जनसभा को संबोधित किया। अखिलेश यादव दोपहर 3 बजे जनसभा में शामिल हुए। अखिलेश यादव का स्वागत करने के लिए नगर विधानसभा से सपा प्रत्याशी तनवीर खान सहित 6 विधानसभा से सपा प्रत्याशी स्वागत के लिए मौजूद थे। वहीं अखिलेश यादव को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी जनसभा में शामिल हुए। अखिलेश यादव ने अपने संबोधन के दौरान यूपी पुलिस को कबाड़ा बताया। अखिलेश यादव ने कहा कि हमने डायल 100 चलाई थी, जिसका भाजपा ने ना रंग बदला ना टायर बदला बल्कि उसका नंबर बदल दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम एम्बुलेंस और डायल 112 को दोगुना करने का काम करेंगे। वहीं किसानों को लेकर बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि किसानों की आय दोगुना करने वाली भाजपा ने किसानों को ठगने का काम किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि किसान आंदोलन में शहीद हुए 700 किसानों को हम सरकार बनने पर 25-25 लाख रुपए का मुआवजा देंगे। वहीं अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि भाजपा के नेता 700 उठक बैठक भी लगाएं तब भी किसान उन्हें माफ नहीं करेंगे। शाहजहांपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि पहले चरण के मतदान के बाद भाजपा का मौसम खराब हो गया है और 10 मार्च को भाजपा की खाट खड़ी हो जाएगी। अखिलेश यादव ने भाजपा को झूठ बोलने वाली पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा का छोटा नेता छोटा झूठ बोलता है और बड़ा नेता बड़ा झूठ बोलता है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि भाजपा हम पर परिवारवादी होने का आरोप लगाती है। उन्होंने कहा कि अब परिवारवादी लोगों की सरकार आ रही है और परिवार वाले ही परिवार वालों का दुख समझ सकते हैं। अखिलेश यादव की सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली। जैसे ही अखिलेश यादव मंच पर पहुंचे उस दौरान सुरक्षा घेरे को तोड़कर दर्जनों लोग मंच के पास पहुंच गए। हालांकि बाद में अखिलेश की सुरक्षा में तैनात जवानों ने भीड़ को पीछे हटाने का प्रयास किया, लेकिन बावजूद उसके लोग पीछे नहीं हटे। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन शाहजहांपुर नगर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी सुरेश कुमार खन्ना ने व्यापारियों से वोट मांगे। सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि 8 बार जनता के आशीर्वाद से मैं विधायक बना हूं और मैंने शाहजहांपुर की सेवा की है। उन्होंने कहा कि आप मुझे वोट देकर 9वीं बार भी विधायक बनाएं। सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि अगर आप शाहजहांपुर को नंबर 1 देखना चाहते हैं तो यहां से भाजपा के सभी प्रत्याशियों को जिताकर भेजें। वहीं सुरेश कुमार खन्ना ने गोविंदगंज में एक नुक्कड़ सभा को भी संबोधित किया और सपा बसपा और कांग्रेस पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये सब फूके हुए ट्रांसफार्मर है जिनसे बिजली अब नहीं आने वाली। उन्होंने कहा कि अगर आप चालू ट्रांसफार्मर से तार जोड़ेंगे तभी बिजली मिल पाएगी। सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि हमारे सभी कार्यकर्ता रिचार्ज हैं और 14 फरवरी को भाजपा के समर्थन में भारी मतदान होगा।
सुरेश कुमार खन्ना ने आज चुनाव प्रचार के दौरान सर पर पगड़ी सजा रखी थी। उन्होंने कहा कि सिख समाज के साथ हमारा गहरा नाता रहा है। इस दौरान सिख समाज के लोगों ने भी सुरेश कुमार खन्ना का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और फूलों की वर्षा की। वहीं स्वागत में जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल के जयकारे भी लगाए। उन्होंने कहा कि सभी धर्म और जातियों के एक एक वोट से मुझे जनता 8 बार यहां से जिताकर भेज चुकी है और मुझे शाहजहांपुर की सेवा करने का अवसर मिला। कांग्रेस के स्टार प्रचारक और अल्पसंख्यक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी आज तिलहर के LBJP इंटर कॉलेज मैदान में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। यहां बड़ी संख्या में कांग्रेसी समर्थक उनको सुनने के लिए मौजूद थे। इमरान प्रतापगढ़ी ने संबोधन के दौरान भाजपा पर हमला बोला। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि 14 फरवरी को हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाकर कांग्रेसी प्रत्याशी को जीती लाएं। शाहजहांपुर में दूसरे चरण में 14 फरवरी को होने वाले मतदान को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए आज पुलिस अधीक्षक एस आनंद और जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों के साथ ब्रीफिंग की। इस दौरान सभी पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए गए कि वह निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी का निर्वहन करें। आपको बता दें कि शाहजहांपुर में पुलिस बल और पैरामिलिट्री फोर्सेज पहुंच चुकी हैं। शाहजहांपुर में अखिलेश यादव की जनसभा से पहले जिले में सपा को बड़ा झटका लगा है। आज शाहजहांपुर में बड़ी संख्या में यादव सभा से जुड़े लोगों ने अन्य दलों को छोड़कर भाजपा की सदस्यता ले ली। यहां भाजपा के महानगर अध्यक्ष अरुण कुमार गुप्ता ने सभी को भाजपा की सदस्यता दिलाई तो वहीं कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के भतीजे धीरू खन्ना ने सभी लोगों को पटका पहनाकर उनका स्वागत किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज खुटार पहुंचे। स्वतंत्र देव सिंह ने खुटार में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और पुआया विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी चेतराम पासी को वोट करने की अपील की। जनसभा में बड़ी संख्या में भाजपा समर्थक स्वतंत्र देव सिंह के संबोधन को सुनने पहुंचे। आपको बता दें कि चेतराम पासी पुआया विधानसभा से कई बार के विधायक हैं। वहीं इस बार उनका मुकाबला बसपा प्रत्याशी उदयवीर सिंह और सपा के उपेंद्र पाल के साथ है। चेतराम ने दावा किया है कि पुआया क्षेत्र की जनता एक बार फिर से उनके साथ है और वो फिर विधायक बनने जा रहे हैं। शाहजहांपुर की जिला स्काउट गाइड की टीम ने आज भावलखेड़ा के अटसलिया कंपोजिट विद्यालय में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने का काम किया। इस दौरान जिला स्काउट मास्टर निकहत परवीन और जिला गाइड कैप्टन दपिंदर कौर ने लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया। उन्होंने कहा कि आपके एक एक वोट की चोट से सत्ता का परिवर्तन होता है। इस दौरान सभी से अपील की गई कि वो मतदान जरूर करें। अखिलेश यादव की जनसभा के दौरान बीएड टेट 2011 एसोसिएशन के लोग भी शामिल होने पहुंचे। इस दौरान लोग बीएड टेट 2011 लिखे हुए बैनर पोस्टर हाथों में लहराते नजर आए और अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे भी लगाए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज शाहजहांपुर पहुंचे। स्वतंत्र देव सिंह ने नगर विधानसभा में जाकर डोर टू डोर सुरेश कुमार खन्ना के लिए वोट मांगे। स्वतंत्र देव सिंह ने लोगों से अपील की कि एक बार फिर से सुरेश कुमार खन्ना को वोट करें और ऐतिहासिक जीत दर्ज कराएं।